हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने DJI Ronin RS3 का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि काफ़ी अच्छा गिम्बल है। आज हम आपको बताएंगे DJI Ronin RS3 की कंप्लीट सेटिंग, कैसे इसको हम मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर आपके पास DJI Ronin RS3 है तो भी बहुत अच्छी बात है, RS2 है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास कोई दूसरा गिम्बल है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, कैसे कैसे मूव्स होते हैं, किस किस तरीके के इसमें सेटिंग्स होती हैं आपके गिम्बल में, क्योंकि ऑलमोस्ट जो गिम्बल होते हैं ना उनमें सभी में लगभग एक तरीके की ही सेटिंग होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है ये DJI Ronin RS3 गिम्बल जो कि काफ़ी अच्छा गिम्बल है। अभी यहाँ पे ये कैमरा है मेरे पास, सोनी का A7S3 कैमरा है मेरे पास, और यहाँ पे जो लेंस है वो है 55mm का। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आप कैमरा यूज़ करते हैं गिम्बल में तो आपको लेंस और कैमरे का वेट समझना है कि कितने किलो आपका वेट जा रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा आइडियल वेट है, तो अभी यहाँ पे इसको मैं अटैच कर लेता हूँ सिंपल वे पे। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली इस तरीके से अटैच कर लिया है और मैं इसकी बैलेंसिंग भी कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने कैमरे को लॉक। अब दोस्तों, लॉक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला जो लॉक है, ये जो एक्सिस है, इसको आपको इस तरीके से खोल लेना है। अभी ऑलमोस्ट मेरा कैमरा बैलेंस्ड है। कैमरा कैसे बैलेंस करते हैं इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। किसी भी गिम्बल में आपको कैमरा बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपको ये वाला एक्सिस को ओके करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ से ये वाले एक्सिस को ओके करना चाहिए, ये एक सेकेंड ये वाले को, और लास्ट में आपका ये जो थर्ड एक्सिस होता है इसका भी लॉक मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये तीसरा एक्सिस, तो सबसे पहले ये एक्सिस, इसके बाद फिर ये वाला, और उसके बाद फिर ये वाला एक्सिस, इन तीनों को आपको स्टेबल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर तरीके से अभी बैलेंस नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरफ झुक रहा है ना, तो इसको मैं यहाँ से लॉक को ठीक कर लेता हूँ और इसको हल्का सा बैलेंस कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, आपको वेल बैलेंस कर लेना है कैमरे को। बाकी मैं आज कैमरे की नहीं, आपको गिम्बल की प्रॉपर सेटिंग बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपने अपने गिम्बल को बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है, अभी देखिए मैं इसको सिंपली यहाँ से ऑन करता हूँ। जब मैं DJI Ronin RS3 को यहाँ से ऑन करता हूँ तो ऑन होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है गिम्बल कंट्रोल, इसमें कुछ प्रॉब्लम था कि ये गिम्बल कंट्रोल इसका प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि गिम्बल कंट्रोल कैसा है। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए, ये जो रोल वगैरह है इसको मेरे को सिंपली नीचे रख देना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इसकी जांच दिखाता है भैया कि ये कैसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से मैं बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद देखिए ये है आपका कैलिब्रेशन। जब आप कैलिब्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल और दूसरा होता है आपका सुपर स्मूथ कैलिब्रेशन। तो अगर आप वेल बैलेंस करके रखें, ऑलरेडी आप एक ही टाइप का लेंस यूज़ कर रहे हैं, बार बार दूसरे लेंसेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब आपको मैक्सिमम टाइम नॉर्मल कैलिब्रेशन से काम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप लेंसेज चेंज करते हैं तब आपको सुपर स्मूथ कैलिब्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं ये सुपर स्मूथ कैलिब्रेशन पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कैलिब्रेट करता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट कैलिब्रेट करता हूँ, इसको आपको एक प्लेन सरफेस पे रखना है और इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आप हाथ पे रख के कैलिब्रेशन मत कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा है, सॉरी गिम्बल जो है अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा है, वेट बैलेंस कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे गिम्बल में होता है, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ DJI Ronin RS3 में है या RS3 में है या RS3 में है। आपके पास अगर मोजा का है तो उसमें भी होगा ऑटो ट्यून, अगर आपके पास ज़ियून का है तो उसमें भी होगा ऑटो ट्यून, आपके पास जो भी कंपनी का गिम्बल है उसमें आप ऑटो ट्यून कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑटो ट्यून हो गया है। ऑटो ट्यून चेक करने के लिए यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये रोल बिल्कुल सेंटर में है, ग्रीन है, टिल्ट सेंटर में है, पैन सेंटर में है, एंड सारा का सारा जो भी इसमें सेटअप है वो सारा का सारा सेंटर में, यानी कि ग्रीन सिग्नल में है। ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि आपका जो बैलेंसिंग है वो अच्छा है। अगर आपकी यहाँ से बैलेंसिंग गड़बड़ होती जब आप शुरुआत में करते हैं तो ये ग्रीन के बदले ऑरेंज या रेड इस तरीके से दिखाता है, शो करता है। तो यहाँ पे सारा चीज मेरा बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने गिम्बल को बैलेंस करेंगे। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, मैं लॉक करना भूल गया था, ठीक है। अभी दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ। अब जब मैं इसको बैक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस क्या क्या हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक जॉयस्टिक, तो ये है जॉयस्टिक। इससे आप अपने कैमरे को ऊपर या नीचे या दाएं
सॉरी बाएं या दाएं ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बटन है जिसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये कैमरा, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे सेट है, अगर मुझे वापस लाना है मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो ये कैमरा मेरा सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको इजीली सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि DJI Ronin RS3 जो गिम्बल है उसका जो हैंडलिंग है वो काफ़ी कमाल का है, बहुत मजबूत गिम्बल मुझे ये लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गिम्बल सिंपल सा। और अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक बटन है जो कि M बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जो भी सेटिंग्स मैं करता हूँ वो यहाँ पे लॉक हो जाता है। इसको मैं M को प्रेस करता हूँ तो सेटिंग्स ओपन हो जाती है, ठीक है, अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन है, रिकॉर्ड का बटन, इसमें एक चीज़ अच्छी कि इसको आप ब्लूटूथ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली रिकॉर्ड करना है तो आप अपने कैमरे का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करेंगे, इसको सेट करेंगे और आपको रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी केबल लगाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से ब्लूटूथ के थ्रू भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहां पे देखिए एक और बटन है जो कि अलग अलग मोड्स हैं। जैसे मैं इसको अगर PTF में लेता हूं तो पैन टिल्ट फॉलो, इसका PTF का मतलब पैन टिल्ट फॉलो। अभी आप देखिए अगर मैं इसको ऐसे लूंगा तो इसमें ये वाला मोड काम नहीं कर रहा है, अगर मैं इसको नीचे लूँगा तो देखिए टिल्ट बिल्कुल काम कर रहा है, अगर मैं फॉलो करूँगा तो फॉलो बिल्कुल काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे है PF मोड, पैन फॉलो, ठीक है। पैन फॉलो में क्या होगा, ये हो गया पैन, सॉरी ये हो गया पैन, यहाँ से पैन ऑफ है एग्जैक्टली, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ना ये कस्टम का ऑप्शन है दोस्तों, पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए आप ये शॉर्टकट के बदले ना अगर आप यहाँ पे जाते हैं FPV में, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले ये FPV का ऑप्शन है, अगर ये आप ऑन रखते हैं तो आपका पैन फॉलो टिल्ट जो भी है सारा का सारा ऑन रहता है, ठीक है, ये आप यहाँ डिस्प्ले से ऑन कर सकते हैं। इसके ठीक बाद अगर आप आएंगे तो ये है 3D रोल 360, यानी आप अपने कैमरे को ईजिली 3D रोल पे लेके इस तरीके से आप रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप रोल कर सकते हैं आप आसानी से अपने कैमरे को अपने गिम्बल के थ्रू। अब यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन है पोर्ट्रेट का, तो पोर्ट्रेट में जैसे ही आप डालते हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड में सेट हो जाता है और आप इजीली रील्स वगैरह के लिए आप कोई भी शूट इस पर कर सकते हैं आराम से। इसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ और है जो कि है कस्टम, जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो जब आप कस्टम में आते हैं तो आप गिम्बल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कस्टम में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये एक पैन का निशान है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिए रोल को आप ऑफ कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ से टिल्ट रोल और पैन तीनों चीज़ को मैंने ऑफ किया। अब आप पूछेंगे टिल्ट रोल और पैन क्या होता है, तो मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूँ। देखिए अभी इसमें कुछ भी चीज़ ऑन नहीं है, मतलब ये बिल्कुल स्टेबल है। अगर मैं यहाँ से सिर्फ टिल्ट को ऑन करता हूँ तो टिल्ट यानी कि ये वाला मोशन, अगर मैं अपने गिम्बल को, सॉरी इसको रीसेट कर लेता हूँ, अगर अपने गिम्बल को इस तरीके से करूँगा तो मेरा कैमरा नीचे जाएगा, इस तरीके से करूँगा तो मेरा कैमरा ऊपर आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा घुमाऊँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये ओनली टिल्ट जब आप ऑन करते हैं तब। अब अगर मैं टिल्ट को ऑफ करके रोल जो है रोल को मैं एक्टिव कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने रोल को एक्टिव किया है, तो अब आप देख सकते हैं उसमें क्या होगा कि मेरे कैमरे को मैं अगर ऐसे करूँगा तो मेरा कैमरा बिल्कुल ऐसा झुकेगा और अगर मैं ऐसा लेके जाऊँगा तो मेरा कैमरा ऐसा झुकेगा, लेकिन अगर मैं नीचे लूँगा यानी कि टिल्ट मोड को रखूँगा तो टिल्ट, अब ये टिल्ट नहीं हो रहा, अब ये लॉक है। देखिए इसका टिल्ट लॉक है, मैंने सिर्फ रोल ऑन किया था, ये देखिए, और पैन भी लॉक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ कि सिर्फ पैन ऑन हो यानी कि सिर्फ ये मोशन ऑन हो, तो अब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मेरा कैमरा मूव करेगा, ऐसे घुमाऊंगा तो भी मेरा कैमरा मूव करेगा, लेकिन अगर मैं टिल्ट करना चाहूंगा तो यहाँ पे टिल्ट नहीं होगा और अगर मैं रोल करना चाहूंगा तो भी रोल नहीं होगा। तो दोस्तों ये है टिल्ट पैन और रोल। और मैं आपको बता दूं कि हर कैमरे में टिल्ट रोल और पैन यही तीन चीज इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिएगा, हर गिम्बल में टिल्ट पैन और रोल यही तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके गिम्बल में जहाँ पर भी ये चीज़ होगा आपको समझना है कि इसको ही आपको कैसे यूज़ करना है। अब सपोज कि आपको कोई शॉट लेना है जिसमें आपको सिर्फ टिल्ट जो है उसका काम है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ से टिल्ट जो है उसको मैं ऑन कर देता हूँ ओनली, ठीक है। अब मान लीजिए एक रनिंग शॉट ले रहा हूँ तो रनिंग शॉट मैं लूँगा और मुझे कोई चीज़ ऐसे पैर से लेके ऐसे ऊपर उठाना है तो मुझे सिर्फ टिल्ट ऑन रखना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे टिल्ट का काम नहीं है, अगर मैं रोल ओनली ऑन करता हूँ, रोल मतलब कि इस तरीके से मान लीजिए मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे फ्रंट से और इस तरीके से अगर मुझे जाते जाते ऐसा डच एंगल या डच शॉट लेना है इस तरीके से, तो मैं सिर्फ यहाँ पे रोल को ही ऑन रखूँगा,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग समझते नहीं है। इसके बाद यहां पे अगर मैं पेन को ऑन रखूंगा, मान लीजिए मुझे कोई सी शॉट लेना है या सर्कल शॉट लेना है, तो यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ किसको ऑन रखूंगा, पेन को ऑन रखूंगा, ताकि मेरा ये गिम्बल इस तरीके से मूव करता रहे। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको शॉट ऐसे लेना है कि आप यहां से कैमरा इस तरीके से उठा रहे हैं, यानी कि आपको टिल्ट का भी काम है और आपको पेन का भी काम है। तो मैंने यहाँ टिल्ट और पेन दोनों को ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे नीचे कर लेता हूँ, सपोज हाँ ये मैंने नीचे कर लिया। अब दोस्तों अगर मैं इस तरीके से घुमाते हुए ऐसे मोड़ना चाहता हूँ, तब तो मुझे दोनों चीज का काम है। अदरवाइज फिर आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप जो बेस्ट चाहिए आपको वही रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टम में है, और कस्टम के अलावा दोस्तों यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑप्शन भी है, यानी कि आप चलिए कस्टम में जैसे हम इन तीनों को ऑन कर देते हैं, और अगर मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, ठीक है यहाँ से मैंने बैक कर लिया, तो ये अभी देखिए पैन टिल्ट फॉलो ये इस मोड में आ गया, ये यहाँ पे बटन में भी दिया हुआ है। तो ये पैन सॉरी ये हो गया फॉलो, ये हो गया टिल्ट, और ये हो गया रोल लॉक है। तो पैन ऑन है और यहाँ पे टिल्ट ऑन है, लेकिन रोल लॉक है। ये हो गया एक मोड, ये शॉर्टकट में। इसके अलावा पीएफ है, पैन फॉलो, तो ये हो गया पैन सॉरी ये हो गया फॉलो, ये हो गया पैन, और ये हो गया फॉलो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है FPV में जब मैं आता हूँ तो पैन फॉलो सारा चीज़ ऑन है। ये देखिए ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँगा तो ऐसा, तो ये सारा चीज़ आपको शॉर्टकट में भी मिल जाता है, और आप चाहें तो यहाँ से जाके कस्टम में जाके अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। इसके अलावा अब आइए देखते हैं कि और क्या चीज़ है यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद है फास्ट ऑप्शन, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, फॉलो स्पीड के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक है मिड, एक है स्लो और एक है फास्ट। अगर मैं इसको स्लो में डालता हूँ तो जो भी मूवमेंट है, देखिए मैं बहुत स्लो हो रहा है इसमें, जैसे मैं इसको जैसे घुमा रहा हूँ तो ये काफ़ी स्लो रिएक्ट कर रहा है, ये है स्लो में। यहाँ पे एक ऑप्शन और है जिसके बाद है मिड, तो अगर मैं मिड में इसको सेट करता हूँ तो ये है मिड। अब यहाँ पे देखिए इसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स शूट कर रहे हैं, या फिर आप कोई रैप सॉन्ग शूट कर रहे हैं, या इस तरीके का कोई फास्ट मूवमेंट वाला काम आप कर रहे हैं, तो आप इसको ले जाइए फास्ट में, ठीक है। फास्ट में यहां पे देखिए अब ये सुपर फास्ट हो चुका है, ये देखिए। और अगर आपको इस पे भी संतुष्टि नहीं, आपको लगता है कि नहीं यार और इसमें मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, तो यहां पे देखिए ये इसके बाद कस्टम ऑप्शन है, ये 20 में है, ये कस्टम ऑप्शन जाके आपको यहां पे जाना है। यहां पे जाने के बाद ये 20 को लेके मैं 100 कर देता हूं, ये 100 जैसे मैंने कर दिया तो अब इसकी स्पीड देखिए, ये देखिए बिल्कुल फास्ट है। तो आप इस तरीके से इसको कस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मिड में रखता हूँ। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या प्री वेडिंग करते हैं तो मिड इज़ गुड, मिड में आप आराम से सारा काम कर सकते हैं। और आइए अब हम इसके और कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फिलहाल आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। एंड आइए हम इसके नेक्स्ट फीचर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, और इसमें जब मैं इसको ऐसे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे टाइम लैप्स का ऑप्शन, यानी कि आप टाइम लैप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, टाइम लैप्स फोटो या टाइम लैप्स वीडियो इससे ले सकते हैं। ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो ट्रैकिंग में आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं जहां भी अपना मूवमेंट है। मान लीजिए आपको ज़िगज़ैग ट्रैक करना है, या फिर यहां पहले आपका गिम्बल का मूव इधर रहे फिर इधर रहे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है पैनारोमा शॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी चीज़ की पिक्चर लेनी होती है लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको पैनारोमा में मान लीजिए मैंने सेट किया है, और यहाँ पे 3x3 का मैंने सेटअप किया है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरा कैमरा ऑटोमेटिक 9 फोटोज़ लेगा और उसको कंबाइन कर देगा। तो ये इस तरीके से आप एक, ये दो, फिर ये तीन, यहाँ पे तीसरा लेगा, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, तो इस तरीके से आप पैनारोमा को यूज़ कर सकते हैं, या तो वाइड एंगल शॉट ले सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के फ्रेम को पास से भी आप शूट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है इस गिम्बल के साथ। मैं भी बहुत सारे गिम्बल में है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इस गिम्बल के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई आप इसमें ये चीज़ कर सकते हैं। यार ये चीज़ मैंने सबसे पहले देखा था DJI का एक पॉकेट ऑस्मो आता है जो मेरे पास है, पॉकेट ऑस्मो में ये बहुत कमाल का फीचर मैंने देखा था, और उसके बाद फिर मेरे पास DJI का कुछ था नहीं, तो अभी DJI का जब ये चीज़ आया है, ये गिम्बल आया है, तो फिर मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से अपने 9 शॉट लेके वापस आ जाएगा, एंड इसके बाद ये कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा
अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूं तो यहां पे जॉयस्टिक फास्ट, जॉयस्टिक स्लो एंड डायल फंक्शन का ऑप्शन है और यहां पे डायल स्पीड का ऑप्शन है। तो ये जो डायल्स हैं इसकी स्पीड भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसको फिर स्क्रॉल करता हूं राइट साइड तो डायल स्मूथनिंग एंड रिवर्स डायल और ये एम बटन, मतलब कि ये वाले बटन का ऑप्शन है। इसमें लॉक सेट है तो आप चाहे तो इसमें दूसरा चीज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक फोटो आप चाहें तो, अगर मैं इसको ऐसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसके थ्रू आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये लॉक वाला ऑप्शन अभी ठीक है। अभी इसके अलावा दोस्तों ऊपर अगर मैं देख लेता हूँ तो ये लॉक का सिस्टम है। यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, और यहाँ पे ये ऑडियो का ऑप्शन है और ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स में ऑटो लॉक, पुश मोड, होराइजन कैलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फोकस मोटर का ऑप्शन है, गिम्बल ऑटो चेक का ऑप्शन है, पैरामीटर्स रिस्टोरेशन है ना रिस्टोर पैरामीटर्स हैं, और उसके अलावा लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अलावा डिवाइस इन्फो है, डिवाइस इन्फो में जाके आप डिवाइस का डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेमवेयर वर्जन है, तो आपको अगर कभी फ्रेमवेयर अपडेट करना है, कई बार क्या होता है कि इसके फ्रेमवेयर्स आते रहते हैं नए, यानी कि आप न्यू अपडेट आते रहता है जिससे आपके कैमरे में और भी फंक्शंस इंस्टॉल हो जाते हैं, तो यहाँ से ये आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी है इस गिम्बल में फ़िलहाल, और ये था इसका सेटअप। तो आपको इसमें से कौन सा मोड सबसे अच्छा लगा? अगर मैं अपनी बात करूं, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे है टिल्ट लॉक फंक्शन। टिल्ट लॉक करके शूट करना मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मोस्टली मैं टिल्ट लॉक जब करता हूँ तो ये मेरा कैमरा जो रहता है ये इस तरीके से मूव करता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं वेडिंग एंड प्री वेडिंग में। यदि कोई फेरे का शॉट हो रहा है तो यहाँ से पैर से इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूँ और ऐसे बैक लाता हूँ तो बहुत अच्छा शॉट आता है। अगर मैं प्री वेडिंग में हूँ तो प्री वेडिंग में भी मुझे ये बहुत काम आता है टिल्ट लॉक मोड, ये मेरा फेवरेट मोड है। आपका मोड कौन सा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपके पास कोई भी गिम्बल है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास DJI का गिम्बल है, आपके पास कोई भी किसी भी ब्रांड का गिम्बल है, तो आपको आपके मोड्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको लगता है कि आपको मोड्स के बारे में और डिटेल जानना है, कैमरा मूव्स के बारे में और डिटेल जानना है, तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना करके दूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आज का यह वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Keep watching. Raja Avasthi. Signing.